हाय, आई एम ज्योति। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंसेस के कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे और कुछ कॉमन मिस्टेक्स, और उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगी आप लोगों से एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सेप्शन, तो सबसे पहले हम हु लेते हैं। मैं हर में एक एक एग्जाम्पल आपको हु का जरूर देती हूँ। इसमें क्या एक्सेप्शन होता है मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुकी हूँ। इसमें जो हु होता है, जो सब्जेक्ट, हु एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सब्जेक्ट पर ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। हु, जैसे कल स्कूल में कौन स्पीच देगा, तो उसके बाद हु, ठीक है, ये तो सेम ही है। विल, फिर इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट और आता था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता जिसमें हु होता है, तो वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। कल स्कूल में कौन स्पीच देगा, हु विल। अच्छा, ये सब्जेक्ट नहीं आ सकता क्योंकि मैं सब्जेक्ट को ही क्वेश्चन बना लिया है। स्कूल डिलीवर आर स्पीच, ठीक है, हु विल डिलीवर। डिलीवर मतलब आपका फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट और बाकी रिमेनिंग पार्ट इन द स्कूल टुमारो। इसमें ये एक्सेप्शन क्या है, बस इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। एक और एक्सेप्शन इसमें मेन जो आपको दिखेगा, अगर मैं इसको नेगेटिव बता दूं, कल स्कूल में कौन स्पीच नहीं देगा, कौन स्पीच नहीं देगा, हु विल नॉट। मैंने आपसे कहा था कभी भी विल नॉट साथ में नहीं आते, जो हमारे इंटरोगेटिव होते हैं उसमें विल नॉट साथ में नहीं आता, लेकिन इसमें साथ में आ गया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। और इसमें ज्यादा एक्सेप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है ना, प्रेजेंट और पास्ट में ज्यादा एक्सेप्शन होता था, उसमें वर्ब की फॉर्म का भी होता था। इसमें क्या, सब में हेल्पिंग वर्ब तो आ ही रही है, ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, अफर्मेटिव नेगेटिव क्या फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, विल नॉट इसमें साथ नहीं आएगा। अब बात करते हैं हूज, विच, हाउ मेनी एंड हाउ मच, इनमें क्या एक्सेप्शन होता है। ये इंटरोगेटिव का रूल भी फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक्सेप्शन कैसे होता है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह किसकी मेज तोड़ेगा, किसकी की इंग्लिश मतलब क्वेश्चन वर्ड मतलब हूज, किसका या किसकी। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या लिखा था, हूज के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, यही होता है। लेकिन आपने इसमें एक चीज नोटिस की, इसमें हूज टेबल, यानी कि इसमें मेज का भी आ गया। लास्ट टू वीडियोस में भी मैंने आपको विच का एग्जांपल दिया था, हाउ मेनी का दिया था, आई थिंक हाउ मच का भी मैं दे चुकी हूँ, बस एक हूज रह गया था, इसका मैं इधर अब देती हूँ आपको। तो जो ऐसे ये जो फोर क्वेश्चन वर्ड है हमारे, ये कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपको इनके साथ जो भी वर्ड लगा होता है, जिसको ये यहाँ पे जो भी नाउन लगा होता है वो इसके साथ जाता है, हूज टेबल, और इसके बाद ये रूल फॉलो करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तोड़ने की होती है ब्रेक, हूज टेबल बिल ही ब्रेक, हम ऐसे कहें हूज बिल ही ब्रेक टेबल, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। हूज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ जो उनके साथ वर्ड या नाउन जो भी लगा होता है, उनके साथ जो भी नाउन लगा होता है वो उसके साथ बनके ये पूरा ही आपका क्वेश्चन वर्ड बन गया है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं ये कितना का तो बता चुकी हूँ, फिर भी किसके साथ हाउ मच लगना है, किसके साथ हाउ मेनी लग रहा है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल आपको फिर से लिया है। वह कितनी किताबें खरीदेगा, ठीक है, तो कितनी के लिए इधर हाउ मेनी आएगा या हाउ मच आएगा। हाउ मेनी यूज होता है काउंटेबल चीजों के साथ, जिनको हम फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो बुक्स को हम फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और हाउ मच यूज होता है अनकाउंटेबल आइटम्स के साथ, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो कितनी, इसके साथ भी क्या लग रहा है, बुक्स, ये वाला नाउन जो है ये पूरा ही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि हाउ मेनी बुक्स, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके खरीदने की बाय, हाउ मेनी बुक्स विल ही बाय। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में अब आपने हर तरह का सेंटेंसेस लर्न कर लिया है, कैसे फॉर्म होता है, क्या इसकी पहचान होती है, फिर भी अब हम देखते हैं क्या कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है। सबसे पहले मैं बात करूंगी
इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या मिस्टेक स्टूडेंट जनरली करते हैं? Why will not you do this work? तुम अपना काम क्यों नहीं करोगे? Is it correct or not? Correct हो भी सकता है or not? Okay, तो बताइए इसमें क्या mistake है? इसमें क्या होना चाहिए? मैंने आपको क्या बताया था? Question word. इसके बाद helping verb. और अगर वो negative भी है, अगर negative भी लगाना है, तो लेकिन सबसे पहले क्या आता है? इधर subject. और not का जाएगा इधर. यही rule बताया था. Interrogative में हमेशा subject के बाद ही not लगता है. अगर इनके सब्जेक्ट नहीं है, जैसे हु मैं, तो होता ही नहीं है, या कभी कभी हाउ मैं नहीं, कुछ केसेस में नहीं होता, तो उसको स्किप करके नॉट लग जाता है. लेकिन सब्जेक्ट है तुम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू. वाई विल यू, और इधर से यू हट जाएगा, इधर आ जाएगा वाई विल यू नॉट डू दिस वर्क. सेकेंड हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, जहां कंडीशन लगी होती है, ठीक है. कंडीशन, इफ यू विल कम वी प्ले, अगर तुम आओगे हम खेलेंगे. वैसे ये सही भी है, मैंने बोला था एक में विल लगता है और एक में विल नहीं लगता है, ये पूरा कंडीशन फॉलो कर रहा है, फिर आई थिंक इट शुड बी राइट और रॉन्ग. इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. वाई? मैंने क्या बताया था कि जिधर कंडीशन होती है उधर हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते, यानी कि यहां से विल हट जाएगा और वी विल प्ले इसमें चला जाएगा. इफ यू कम, यदि तुम आते हो हम खेलेंगे, मतलब तुम आओगे तभी हम खेलेंगे, ठीक है. और एक और बात, अगर मैं ये चीज पहले भी लिख दूं, वी विल प्ले इफ यू कम, तब भी मैंने आपको बताया था ऑर्डर डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स वेयर द कंडीशन इज, कंडीशन कहां लगी हुई है. और कभी भी दोनों में फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा. हिंदी में बोलते टाइम हमको ऐसा लगता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता. यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा जहां कंडीशन लगी है, और इधर फ्यूचर इंडेफिनिट. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें एक हर सेंटेंस में मिस्टेक्स है, उसको आपको सही करना है. अभी आप पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट लर्न कर चुके हो, मैंने कॉमन मिस्टेक्स भी बता दी है उसके बाद, तो आई थिंक अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर पास्ट इंडेफिनेट, सब में हम ये एक्सरसाइज जरूर करते हैं, इससे आपको पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा. मैं आपको एडवाइस करूंगी पॉज माय वीडियो फॉर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग. इन सेंटेंस को खुद सॉल्व कीजिए, मतलब इनको खुद ही करेक्ट कीजिए. इससे आपको पता लग जाएगा कि अभी तक जो आपने पढ़ा है आप कितना उसे कर पा रहे हो, पूरा रिवीजन हो जाएगा. और अगर कोई भी सेंटेंस आप करेक्ट नहीं कर पाते, तो उस टॉपिक पर वीडियो में दोबारा जाइए और उसको फिर से देखिए. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू विल पॉज माय वीडियो, ठीक है. आप मेरी वीडियो को पॉज करिए, मैं इधर आपको बताना स्टार्ट करती हूँ. उसके बाद जो आपने करेक्शन किया चेक करिए, यहाँ से आपको मैच होता है या नहीं होता, तो क्या नहीं होता और क्या चीज आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है. लेट्स स्टार्ट. हाउ मैनी विल ही बाय बुक्स, आई थिंक इट इज इट करेक्ट. हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड, एंड विल इज हेल्पिंग वर्ड और सब्जेक्ट मेन वर्ड. तो अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में, आप प्रीवियस पार्ट में जाइए, एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया था हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज, ये क्वेश्चन पर कभी भी अकेले नहीं रहते, इनके साथ नाउन जो इनके साथ वर्ड होता है, इससे हमें क्या सेंस आता है, वह कितनी किताबें खरीदेगा, यानी वह कितनी के साथ किताब भी आएगा, वो उसके साथ लग जाता है, वो क्वेश्चन पर बना देता है, यानी कि ये बुक्स किधर आ जाएगा, इधर. अभी अभी ऐसा ही सेंटेंस मैंने आपको बताया है सेम, ठीक है स्टूडेंट्स. और इधर से हम बुक्स को हटा देंगे. हाउ मेनी बुक्स विल ही बाय, बिल्कुल अभी बताया, बिल्कुल ये सेंटेंस कुछ भी चेंज नहीं किया है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी. नेक्स्ट, अब कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे आ गए. इसका भी मैंने अभी कॉमन मिस्टेक में आपको बताया था, वेन टू यूज में, और कॉमन मिस्टेक्स में भी मैंने आपको दोबारा बताया था क्या होता है. If he will come, I will give him a pen. What is the mistake? जो conditional sentences होते हैं वहां कभी भी हम future tense का use नहीं करते, यानी कि will यहाँ से हट जाएगा. I see your father if I will go to Delhi. अच्छा ये तो सही है ना, एक present indefinite में हमने बना दिया है और एक future indefinite में बना दिया, यही तो मैंने बोला था दोनों future में नहीं बनेंगे, एक present indefinite में बनेगा. I think is this correct or not?
नो दिस इज रॉन्ग. मैंने क्या कहा था, ऑर्डर डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स द कंडीशन मैटर्स. तो आई सी योर फादर भले ही इसमें कंडीशन सेकेंड सेंटेंस में है, लेकिन कंडीशन में कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं होगा. आई विल. Why will not you go to the school today? I think अब तो आप easily find कर लोगे. मैंने बिल्कुल यही mistake बताई थी. Why? Question word. और अगर question word मतलब interrogative sentences हैं तो उसमें अगर हमें not use करना है तो हमेशा subject के बाद होगा. यानी not will not एक साथ नहीं आता. Why will you not? ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है. Why will you not go to the school today? और ये स्विच सेंटेंस भी will not ही कम क्या है, नहीं आएगा. तो चाहे कोई सा भी हो, ये yes or no type sentence है ना, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं. सिंगल इंटरोगेटिव से आप कह सकते हो. तो इसमें भी not अगर हमें यूज करना है तो वो सब्जेक्ट के बाद ही करना पड़ेगा. नॉट यूज विल ही नॉट कम क्या वह नहीं आएगा. नाउ इट इज करेक्ट. अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, छोटा सा सेंटेंस, और उससे हम तीनों सेंटेंसेस रिवाइज करते हैं. मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव जो भी मैंने स्ट्रक्चर तीनों के बताए थे. ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी पढ़ चुके हैं तो उससे लिए मैं बोलना चाहूंगी. सिर्फ आप मेरा अफर्मेटिव सेंटेंसेस नोट कीजिए. यू विल प्ले, तुम खेलोगे. और इससे आप वीडियो पॉज करके नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी यस और नो टाइप सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली वाले फोर सेंटेंस मैंने बनाए, खुद बनाइए ये थ्री सेंटेंसेस नेगेटिव और दोनों तरह के इंटरोगेटिव. ठीक है, मैं इधर स्टार्ट कर रही हूँ, आप पहले खुद बनाइए फिर चेक कीजिए कि आपको फ्यूचर टेंस कितना आया है. ठीक है, यू विल प्ले, इसका मुझे अगर नेगेटिव बनाना है तो बिल के बाद आ जाता है नॉट. यू विल नॉट प्ले, तुम नहीं खेलोगे. अच्छा, अगर मुझे क्वेश्चन करना है किसी से क्या तुम खेलोगे, तो मैं ये जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं यस और नो टाइप सेंटेंस बनाना है. इसके बाद सब्जेक्ट आता है विल यू प्ले. ठीक है, और अगर मुझे इसमें इंटरोगेटिव भी बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद मैं क्या लगा दूंगी, नॉट. ये सेंटेंस जिस मैंने रिवीजन के लिए लिया है कि अब तक आपने क्या पढ़ा है स्ट्रक्चर में. विल यू नॉट प्ले. अच्छा, अब मैं पूछना चाह रही तुम क्या खेलोगे, और दोनों में डिफरेंस है. क्या तुम खेलोगे, तुम क्या खेलोगे, ये मैंने एक सेंटेंस लिया था, इसी में ही लिया था शायद, और उसमें मैंने आपको बताया था तुम क्या खेलोगे, मतलब हम डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो उसमें क्या खेले क्या आ जाएगा, व्हाट, और व्हाट के बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या, सब्जेक्ट, व्हाट विल यू प्ले, उसके बाद मेन वर्ब. और अगर इसी को मुझे नेगेटिव बताना है, तुम क्या नहीं खेलोगे, व्हाट विल यू, सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे नॉट. फ्यूचर टेंस खत्म हो गया यानी फ्यूचर इंडेफिनिट. अब हमारे इंडेफिनिट के तीनों टेंसेस खत्म हो गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट. एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने तीनों में क्या हमने पढ़ा है, एक बार ओवरव्यू मैं दे रही हूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये होती है एचपी, हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने लिखा है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डू या डज. पास्ट इंडेफिनिट में डिड, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल. ठीक है, अब ऐसे ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, नहीं. पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, नहीं. और फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, यस. विल आता है हर में, इस दोनों में नहीं होती, इन दोनों में नेगेटिव से शुरू होती है. मैंने बताया था ना पहले आपको, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यस तीनों में, इंटरोगेटिव में उसमें भी यस तीनों में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है. हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया. ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ नो नो लिखा है. और फ्यूचर में सब में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी सब में यूज होती है तीनों टेंसेस में, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. अब हम आते हैं मेन वर्ब. मेन वर्ब में क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसमें ऐसे ही एस लग जाता है जो सिंगुलर होते हैं, उसमें ऐसे ही एस लग जाता है. या और नहीं, अगर जो प्लूरल होते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसलिए यहाँ पर एक और चीज ऐड कर देती हूँ आपके लिए. और फर्स्ट, यहाँ तो ऐसे ही एस या सिंपल वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म वो आपको मैं बता चुकी हूँ। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप रिजल्ट इंडेफिनिट की मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं SCIS कब यूज कर सकते हैं, स्पेलिंग चेंजेस भी मैं बता चुकी हूँ कैसे आपको यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं, इसमें मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, सेकेंड, ठीक है, अफर्मेटिव में, और बाकी सब में नेगेटिव वगैरह आती हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जहां नो लिख रहा है वहीं पर ये यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर एस या ईएस आता है एक्सेप्ट आई, और अगर प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ये केवल अफर्मेटिव के लिए है क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव जिसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है प्रेजेंट और पास्ट में, उन दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है क्योंकि इस फॉर्म से ही फर्स्ट फॉर्म और इधर सेकंड फॉर्म डिफाइंड हो जाती है, तो हम मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में बना देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, वो सब में ही फर्स्ट आपका रहता है। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा फिनिश होता है, और इसी के साथ इंडेफिनिट के तीनों टेंसेस हमारे फिनिश होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वील मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।